ये लड़की अपने हाल में खुश रहने वाली लड़की नहीं है और इसका मुस्तकबिल ज़ीशान के साथ इस घर में नहीं है। बेटा, इसके हाथ में शादी की दो लकीरें हैं। मामू, ये मेरी देवरानी है शाजमा और शाजमा ये मेरे मामू है। भाभी खैरत, आपने बताया नहीं कि आपके रिश्तेदार आए हैं, वरना हम भी मिल लेते। या आप चाहती नहीं है कि हम आपके रिश्तेदारों से मिलें? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस ऐसी ही बात है। अब मामू को कुछ खिलाया पिलाया भी है कि बस बातें ही कर रही हैं? ये क्या, सिर्फ बिस्किट और कबाब? खाला को पता चलेगा ना तो बहुत डांटेंगी आपको। मामू, हमारे घर में ना मेहमानों की बहुत इज्जत की जाती है, बहुत खातिर मदारत की जाती है। छोड़ें इस बात को, आप क्या पामिस्ट हैं? नहीं, बस ऐसे ही कभी कभार हाथ वाथ देख लेता हूँ। अच्छा, मेरा हाथ तो देख के बताएं कि क्या लिखा है। प्लीज देखे ना, बताए मेरे हाथ में क्या लिखा है, कैसी किस्मत है मेरी। क्या लिखा है? कुछ खास नहीं। क्या मतलब कुछ खास नहीं? मैं बहुत स्पेशल हूँ और मेरी किस्मत भी बहुत खास है। कुछ ना कुछ स्पेशल तो लिखा होगा ना, गौर से देखें प्लीज। बेटा सब ठीक है, खुश रहोगी तुम। बस आपको क्या वाकई में हाथ देखना आता कि बस शो ऑफ करते हैं आप? तुम्हारे मामू भी तुम्हारी तरह कबाब खाए आप। सॉरी मामू, आप इसकी बातों को बुरा मत मानिएगा। नहीं बेटा, मैंने बुरा नहीं माना, मगर इसके शोहर के साथ बुरा जरूर होने वाला है। ये लड़की अपने हाल में खुश रहने वाली लड़की नहीं है और इसका मुस्तकबिल ज़ीशान के साथ इस घर में नहीं है। बेटा, इसके हाथ में शादी की दो लकीरें हैं, इसकी दूसरी शादी होगी और वो भी मुझसे बाहर। सांसों को मेरी खिला मुझसे के।